हर सुमह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में, जिसे कंपनी ने 2 मार्च को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी स्मार्टफोन को देखेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, इसके प्राइस को देखेंगे और बात करेंगे क्या स्मार्टफोन इतने प्राइस पॉइंट में खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या फिर नहीं उसके बारे में। दोस्तों अगर बात किया जाए ओप्पो रेनो 3 प्रो के डिज़ाइन की, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक स्मार्टफोन है, रेयर, बहुत ही ग्लोसी है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न आप लोगों को दिखेगा, क्वाड कैमरा सेटअप दिखेगा रेयर में आप लोगों को। ये जो साइनिनेस ये ग्लास नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है और बहुत ही खूबसूरत सा रेयर आप लोगों को दिख रहा है। फ्रंट की अगर बात किया जाए तो ड्यूल पंच होल के साथ बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, बहुत ही कम बेजल्स है, चिन भी बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पे 6.7 है जो आप लोगों को फुल HD रिजोल्यूशन देगा, मतलब 1080x2400 पिक्सल की रिजोल्यूशन ये देने वाला है। ये जो डिस्प्ले है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पे अगर आप वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो Amazon से या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट से, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इंटरनल्स की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 गियर दिया गया है कलर OS 7 की लेयरिंग के साथ। प्रोसेसर में यहाँ पे दिया गया है मीडियाटेक का हेलियो P95 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है मीडियाटेक के हेलियो P90 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन के साथ तो स्नैपड्रैगन 730 के आसपास इसकी मतलब जो परफॉर्मेंस होगी। यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑनटूटू मार्क्स की, तो 2,22,000 के आसपास इसके ऑनटूटू मार्क्स आती है। और यहाँ पे बात किया जाए अगर इसकी परफॉर्मेंस की पबजी खेलने की, तो हाई सेटिंग पे आपको थोड़ा बहुत लैग दिख सकता है, लेकिन मीडियम सेटिंग पे ये जो है ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। रैम में आप लोगों को 8GB का रैम मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को 128 और 256GB की स्टोरेज की ऑप्शन मिलेगी, और इस स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। बात करें इस स्मार्टफोन की सबसे हाइलाइटेड फीचर्स इसके कैमरे की, तो यहाँ पे आप लोगों को 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है एपीचर F1.8 के साथ, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है एपीचर F2.4 के साथ, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है 119.9 डिग्री की फील्ड व्यू के साथ, और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस है। यहां पे आपको 5x की हाइब्रिड जूम और 20x की डिजिटल जूम की सुविधा मिल जाएगी। बात किया जाए इसकी सबसे बड़ी हाइलाइटेड फीचर्स की, जो है इसकी सेल्फी कैमरा, और यहां पे आप लोगों को पहली बार सेल्फी में 44 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी में आप लोगों को यहां पे ड्यूल कैमरा मिलेगा, जहां पे प्राइमरी जो कैमरा है वो है 44 मेगापिक्सल का एपीएचर F2.4 के साथ, और दूसरा जो कैमरा है वह 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एपीएचर 2.4 के साथ। यहां पे अगर बात किया जाए बैटरी की, तो 4025 mAh की बैटरी लगाई गई है, और जहां पे आप लोगों को 30 वाट की वोक 4.0 फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की अगर बात किया जाए 4G वॉल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB टाइप सी जैसे ज़्यादातर कनेक्टिविटी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगा। सेंसर्स में भी बहुत सारे सेंसर्स मिल जाएगा, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 3.0 भी मिल जाएगा, जो बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए प्राइस की, तो 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 29,990, मतलब करीबन 30,000 रुपये 10 रुपये कम में आप लोग को मिल जाएगा। 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया 32,990, और मतलब 33,000 रुपये 10 रुपये कम। लेकिन यहाँ पे जो 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसकी सेल्स डेट कंपनी ने अब तक रिवील्स नहीं किया है। यहाँ पे 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आप मार्च के 6 तारीख से खरीद पाओगे। अगर बात किया जाए क्या स्मार्टफोन खरीदने लायक है या फिर नहीं, अगर डिज़ाइन वाइज बात किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले भी है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, कैमरा बढ़िया है, लेकिन 30,000 रुपये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हेलियो P95 प्रोसेसर नया प्रोसेसर है, लेकिन इसकी जो ऑनटूटू मार्क है, इसकी जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 730 जैसा है, और आप लोगों को पता है स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर के साथ जो फ़ोन है करीबन 20,000 के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे 30,000 रुपये ओप्पो की स्मार्टफोन के लिए आप दे सकते हो, अगर आपकी प्रायोरिटी सेल्फी है या फिर अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है। अगर आपको कैमरा बढ़िया चाहिए, सेल्फी बढ़िया चाहिए, तो ओप्पो का रेनो 3 प्रो
आप ले सकते हो। 30,000 रुपए आप खर्च करके एक बेहतरीन सेल्फी वाला फोन खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस सही है, अच्छा, और बहुत सारे आपको अलग अलग फीचर्स भी अच्छे चाहिए, तो मेरे ख्याल से ओप्पो रेनो 3 प्रो में जितने सारे स्पेसिफिकेशन है वैसे ही और उसी टाइप ऑफ परफॉर्मेंस में आप लोग को कम दाम में बेहतरीन स्मार्टफोन मिल सकता है। कमेंट में मुझे आप बताइए कि ओप्पो रेनो 3 प्रो आप लोग को कैसा लगा, क्या 30,000 रुपये और 33,000 रुपए देके आप ओप्पो रेनो 3 को खरीदने वाले हो या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, भारत माता की जय।